something's creeping closer. There's no one left to find you. कंटेंट बहुत ही ज्यादा क्वालिटी वाला है एंड यहाँ पर हो सकता है भाई का सब्सक्राइबर कम है, बट मैं भाई को अंडररेटेड लेजेंड बुलाऊंगा, ठीक है। लेजेंड है भाई, यही है जो नेक्स्ट टीजीआर एनर्जेड है। सो भाई नेक्सी भाई को जरूर सपोर्ट करना, वो डिजर्व करते हैं। एंड भाई लोग मुझे भी सपोर्ट करना है आपको, जल्दी से जल्दी 100 के करवा दो गाइस। सो भाई लोग कोई भी चैनल पर न्यू आ रहे हो, पहली बार के लिए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते हैं आप सभी का हेल्प करने के लिए। तो सब्सक्राइब करके हमारा भी हेल्प कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट में बताना कैसा लगा आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो। एंड भाई लोग मैंने कहा था पिछले वीडियो में अगर 600 कमेंट्स हो गए तो इस वीडियो में शाउट आउट दूंगा, तो ऊपर जितने भी चैनल्स आपको अभी दिख रहे हैं भाई लोग इनको शाउट आउट जाता है आज के इस वीडियो में, इनको सपोर्ट करना। एंड आज के वीडियो में भी सेम 600 कमेंट्स का टारगेट है, जल्दी से कंप्लीट कर देना तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भी शाउट आउट मिलेगा। जो सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा एंड वीडियो में सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा उनको ही शाउट आउट मिलता है। तो भाई लोग जल्दी से 600 कमेंट्स का टारगेट कंप्लीट कर दो एंड चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो भाई लोग चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग अभी आपको बताते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पर दो इमोट आपको ले लेना है, ठीक है। एंड लेने के बाद गाइस यहाँ पर आपको ये वाला मैप के अंदर आ जाना है। गाइस मैप कोड एंड मैप का पासवर्ड मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर चेकआउट करना, वहाँ से मैप कोड एंड पासवर्ड को लेकर आपको मैप के अंदर आ जाना है, ठीक है भाई लोग। एंड यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो गाइस आपको टेलीपोर्ट हो जाना होगा। सो भाई लोग आपको केप टाउन में टेलीपोर्ट होना है, लेकिन उससे पहले आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि गन ले लो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स ही इस वीडियो में एनिमी होने वाले हैं आपका। तो भाई लोग सबसे पहले तो गन लेने के बाद जो है आपको मतलब आपको नहीं, आपके फ्रेंड्स को गन लेने के बाद उनके साथ आपको आ जाना है केप टाउन में। एंड यहाँ पर गाइस उनको यहाँ पर रोड पर इस तरीके से खड़े होने के लिए आपको बोल देना है एंड आपको आगे से आना है, ठीक है। उनको बोलना है कि वो आपकी तरफ फेस करके खड़े हो जाए। एंड इतना काम करने के बाद उनको अच्छे से पोजिशन में लाने के बाद आपको थोड़ा दूर चले जाना है गाइस एंड वहाँ से दौड़ कर आना है, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। तो इस वाले पोजिशन से आपको दौड़ कर आना होगा गाइस, इस तरीके से दौड़ कर आओ एंड आके इस तरीके से खड़ा हो जाना है, ठीक है। खड़े होने के बाद गाइस उनको बोलना है कि तुम लोग इमोट मारो, इमोट मारो रे, जितना हो सके इमोट मारो, और जो भी इमोट है तुम लोग मारो। तो वो लोग क्या करेंगे, इमोट दिखाएंगे। तो वो जब तक इमोट दिखा रहे हैं आपको कुछ इस तरीके से खड़े रहना है। एंड उसके बाद सबसे पहला जो जुत्सु वाला इमोट आपने लाया था वो वाला इमोट आपको दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो, मैं वेट कर रहा था कि सही टाइम कब आएगा इमोट दिखाने का। तो यहाँ पर आपको भी थोड़ा इंतज़ार कर करके इमोट दिखाना है, आराम से क्लिप को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फाइनली ये जुत्सु वाला दिखाया। इसके बाद गाइस मुझे ये वाला इमोट दिखाना है, इसके बाद मैं लॉल इमोट दिखाऊंगा एंड मेरा रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से रिकॉर्डिंग कर लेना है गाइस। तो भाई लोग सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड सबसे पहले तो आपको 9:16 का एक रेशियो क्रिएट कर लेना है। एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका जो क्लिप है उसको अच्छे से जूम कर लेंगे। एंड भाई लोग अभी आपको 6 सेकंड पे आके एक स्प्लिट मार देना है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज आपने जहाँ पर पहला इमोट दिखाया था वहाँ पर जाके आपको स्प्लिट मार के मिडिल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको डिलीट कर लेना है। एंड भाई लोग नेक्स्ट हमने जो इमोट मारा था ये वाला जो मैंने बताया था आपको रिकॉर्ड करने के लिए, इस वाले इमोट का आगे जाकर स्प्लिट मार के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी डिलीट कर लेंगे। एंड नेक्स्ट हमने जहाँ पर लॉल इमोट मारा था उधर स्प्लिट मार के उसके आगे जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट कर लेंगे। तो इस तरीके से इमोट के आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है सबको स्प्लिट मार के आपको डिलीट कर लेना है भाई लोग। सो भाई लोग इतना काम करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इस वाले पोजिशन में जहाँ पर हम लोग लॉल दिखा रहे थे वहाँ पर आके एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड इसी स्क्रीनशॉट को अभी टच रिटच एप्लीकेशन के अंदर हमें ऐड
करके जो हमारा एनिमी वाला पोजीशन था उसको हमें इरेज कर देना है। एनिमीज को इरेज कर देंगे एंड अच्छे से इरेज करने के बाद इसको डायरेक्टली पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। तो भाई लोग देख सकते हो इमेज हमारा ऐड हो चुका है यहाँ पर एंड हमने AI एनहेंस के ऊपर क्लिक करके इसका जो क्वालिटी है उसको भी एनहेंस कर लिया है एंड इतना काम करने के बाद इसको हमें सेव करके दोबारा कैपकट एप्लीकेशन के अंदर उसी पोजीशन में वापस आके इसी इमेज को ऐड कर देना है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज अभी हम लोग मास्क में जाएंगे क्योंकि हमें करना है मास्किंग। तो भाई लोग सबसे पहले आपको मास्क के अंदर तो आ जाना है। मास्क के अंदर आके जो पहला वाला मास्क होगा, ठीक है, उस मास्क को आपको सिलेक्ट करके इस एरो को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लेना है। एंड यहाँ पर देख सकते हो गाइज बहुत ही अच्छे से हमारा मास्किंग हो चुका है, हमारा जो एनिमी था वो ढक चुका है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज कुछ इस वाले पोजीशन में आपको आना है एंड यहाँ पर गाइज देख सकते हो मैंने ऐड कर लिया है ये वाला इमेज जो आपको भी मिल जाएगा पैक के अंदर, आप लोग भी ऐड मार लेना। यहाँ पर एनिमी बोल रहे हैं कि अब ये क्या करेगा, तो ये नॉर्मल इमेज आपको ऐड कर लेना है यहाँ पर एंड इसके थोड़ा बाद आपको ये वाले पोजीशन में आ जाना है 7 सेकेंड में। एंड यहाँ पर गाइज ये कार वाला ग्रीन स्क्रीन आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, इसको भी आपको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है गाइज। एंड इसका जो ग्रीन स्क्रीन है इसको अच्छे से हटा लेना है एंड इतना काम करने के बाद थोड़े ऊपर के पोजीशन पे रखना है इसको क्योंकि हम लोग की फ्रेमिंग करेंगे। इसका साउंड बंद करते हैं, ऊपर वाले पोजीशन में इसको रखो एंड यहाँ पर की फ्रेमिंग के ऊपर आप लोगों को की के ऊपर क्लिक कर देना है एंड पहला वाला क्ली आसमान में रख के यहाँ पर प्रेस करना है, दूसरा वाला की यहाँ पर ग्राउंड पे रख के आपको प्रेस करना है, ठीक है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो एनिमेशन लग चुका है हमारा, ऊपर से नीचे आ रहा है इस टाइप से लग रहा है। एंड इतना काम करने के बाद गाइज क्या करना है, इसी पोजीशन में आपको एडजस्टमेंट कर देना है इस क्लिप का, जो आपको इस क्लिप में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एडजस्टमेंट में आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, शार्पन, शैडोज, इन सभी को अच्छे से एडजस्ट कर देना है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद गाइज मैं थोड़ा इसका इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ, मुझे लगता है कि ग्रीन स्क्रीन अच्छे से नहीं हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ा दिया है भाई लोग। एंड इतना काम करने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है ध्यान से देखो, अभी इसी वाले पोजीशन में गाइज हमें जो है एक इस टाइप से जुत्सु वाला एक ग्रीन स्क्रीन मिल जाएगा, ये ग्रीन स्क्रीन हमें ऐड कर लेना है गाइज। तो ये ग्रीन स्क्रीन का भी डाउनलोड लिंक सब कुछ आपको पैक के अंदर मिलेगा, जिनको पैक डाउनलोड करना नहीं आता है उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बना के मैंने दे दिया है कि हाउ टू डाउनलोड फ्रॉम माई लिंक, ये वाला वीडियो भी आप लोग देख पाओगे पिन कमेंट में, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। तो जाकर जिनको भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है वो वाला वीडियो देखना एंड पैक को डाउनलोड करके ये वाला वीडियो बनाओ, मस्त वीडियो है, ठीक है भाई लोग। सो इतना काम करने के बाद गाइज अभी इस वाले क्लिप का भी हम लोग मास्किंग ऑन कर देंगे, सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पर इसका जो एरो है डाउन एरो इसको हमें अच्छे से इस टाइप से खींच लेना है गाइज, देख सकते हो। एंड अच्छे से एडजस्ट करने के बाद ये वाला क्लिप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है इधर। एंड इतना काम करने के बाद गाइज थोड़ा सा यहाँ पर एंड के पोजिशन में आना है, स्प्लिट कर देना है इस कार वाले क्लिप को। स्प्लिट करने के बाद गाइज आपको मैं दिखाता हूँ क्या करना है। तो सबसे पहले तो गाइज यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको फिर से ऊपर उठा दिया पर ये यहाँ से ही उठना स्टार्ट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा कुछ इस वाले पोजीशन में एक एनिमेशन की लगा के इसको फिर से बड़ा कर दूंगा। इससे क्या होगा गाइस, उस एनिमेशन की के बाद से कार जो है ऊपर उठना स्टार्ट होगा, तो वही बेस्ट रहेगा भाई लोग, आप लोग भी सेम करना। एंड इतना काम करने के बाद एंड के पोजीशन में आपको आ जाना है एंड यहाँ पर गाइस आपको स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर क्लिप का जो ड्यूरेशन है उसको जो है हमें स्लो कर देना है स्प्लिट करके। तो अभी भाई लोग देख सकते हो क्लिप का ड्यूरेशन बढ़ चुका है एंड अभी हम लोगों को क्या करना है गाइस, जहां पर ये हमारा कैरेक्टर उंगली दिखा रहा है उधर जाके हमें इस कार को जो है छोटा करके यहाँ पर नीचे रख देना है, ऐसा दिखाना चाहते हैं कि एनिमी के ऊपर ये वाला कार गिर गया, ठीक है। तो इस टाइप से हमें एनिमेशन दे देना है भाई लोग। सो भाई लोग इतना काम करने के बाद अभी इसी वाले पोजीशन में आपको एक और क्लिप मिल जाएगा, ऐड कर लेना है एंड यहाँ पर ये जो ब्लास्ट हो रहा था ना, ये ब्लास्ट वाला ग्रीन स्क्रीन हमने ऐड मार लिया है, इसको पूरा नहीं रखना, कुछ इस वाले पोजीशन में आके आपको स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है भाई लोग। उससे पहले हम लोग करेंगे मास्किंग, जो कि आपको सर्कल को सिलेक्ट करना होगा एंड ये जो डाउन एरो है सेम इसको भी अच्छे से एडजस्ट करना है डाउन एरो को नीचे की तरफ खींच के। तो भाई लोग यहाँ पर देख सकते हो डाउन एरो अच्छे से हमारा एडजस्ट हो चुका है एंड यहाँ पर थोड़ा मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, आप लोग भी फॉलो कर लेना, जैसे कि
जैसे जैसे मैंने मास्किंग किया है वैसे वैसे आप लोग कर लेना है। एंड इतना काम करने के बाद इसी पोजिशन में एक्स्ट्रा पार्ट को हमने जो है स्प्लिट मार के डिलीट कर दिया है। एंड यहाँ पर फेड आउट ड्यूरेशन को हमें एनेबल कर देना है एंड फेड आउट हो जाएगा हमारा क्लिप। एंड इतना काम करने के बाद गाइस इसी पोजिशन में आपको क्या करना है, देखो गाइस इस वाले पोजिशन में अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेकर आना है गाइस फिर से एक ग्रीन स्क्रीन जो कि होगा कार फूटने का ग्रीन स्क्रीन। तो इसका जो है हम लोग ऐड कर लेंगे। इस वाले ग्रीन स्क्रीन को ऐड करने के बाद अच्छे से इसका इंटेंसिटी एंड शैडो को एडजस्ट करके इसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। एंड यहाँ पर लेयर में जाके सेकेंड लेयर कर देना है। एंड जहाँ पर हमारा क्लिप एंड हो रहा है वहाँ पर इस क्लिप को जो है स्प्लिट करके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर लेंगे। सो भाई लोग देख सकते हो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कार जो है ब्लास्ट हुआ था। तो इस टाइप से हमें कर देना है गाइज, ठीक है। एंड इस वाले पोजीशन में गाइज आपको एक किल पीएनजी भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको किल पीएनजी में भी यहाँ पर थोड़ा जूम इन जूम आउट वाला वो एनिमेशन आपको डाल देना है जैसा हमारे फ्री फायर में होता है सेम टू सेम वैसा ही। एंड इस वाले पोजीशन में आपको एक साउंड इफेक्ट मिल जाएगा डबल किल का, वो भी पैक के अंदर मिलेगा। तो डाउनलोड कर लेना पैक को, यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है। फाइनली जो है हम लोग ऑडियो को ऐड करने जा रहे हैं। तो ऑडियो को ऐड करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, देखो आपको ऑडियो को ऐड करने के बाद गाइज जो बीट के साथ बीट हमारा मैच हो रहा है वो हमें मैच करवा देना है। एंड इतना काम करने के बाद ऑडियो को अच्छे से क्लिप के साथ एडजस्ट करने के बाद फाइनली हमारा क्लिप अभी भी रेडी नहीं हुआ है भाई लोग, अभी भी मेन काम बाकी है जो कि हिलाना। जी हाँ भाई लोग, हिलाना बाकी है क्योंकि क्लिप को एक्सपोर्ट मारने से पहले इसको एक्सपोर्ट तो मारेंगे, ठीक है, एक्सपोर्ट मार के दोबारा से इंपोर्ट करेंगे इसको हिलाने के लिए। मतलब जो ब्लास्ट वाला सीन है ना वहाँ पे हमें शेक इफेक्ट डालना है, तो विदाउट शेक इफेक्ट वो ब्लास्ट वाला सीन अच्छा नहीं लगेगा। तो हिलाने के लिए क्लिप को हमने इम्पोर्ट कर लिया है। अभी जो है इसका ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन जो भी एडजस्टमेंट के अंदर होता है एडजस्टमेंट कर लेना है नॉर्मली। एंड जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा था गाइज वहाँ पर हिलाने के लिए हमें जो है शेक इफेक्ट ऐड कर देना है भाई लोग। सो फाइनली हम लोग शेक इफेक्ट को ऐड कर देते हैं। तो भाई लोग शेक इफेक्ट को देने के बाद हमारा हिलाना कंप्लीट हो जाएगा। सो भाई लोग फाइनली यहां पर इसका थोड़ा स्पीड एंड इंटेंसिटी को कम करने के बाद हमारा क्लिप रेडी हो चुका है गाइस। क्लिप को एक्सपोर्ट करते हैं एंड फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं आपको कैसा बना है हमारा क्लिप। तो